दोस्तों नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जय कुमार। आज अपने वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टीथिंग ट्रबल, डेंटिशन पीरियड में बच्चों को होने वाली परेशानियां और उसका होम्योपैथी में क्या इलाज हो सकता है, उसे हम आपको बताते हैं आज। और हम यही चाहेंगे कि आप इस पूरे वीडियो को देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। घर में इस तरह की शिकायतें, जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इस तरह की शिकायतें आपको मिलती हैं कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं और बच्चा बीमार हो रहा है। वो चाहे चिड़चिड़ापन हो सकता है, उसकी वोमिटिंग हो सकती है, उसे फीवर हो सकता है, उसके फ्लेचुलेंसी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, तो इस तरह की शिकायत होती है। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम आपको वीडियो आप दिखाते हैं और उस वीडियो में टीथिंग ट्रबल में जो दवाएं होम्योपैथी की बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, आप पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिए। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। तो मेरे चलो ये दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं टीथिंग ट्रबल, छोटे छोटे बच्चों में दांतों के निकलने के समय पर होने वाली वो परेशानियाँ जिससे हर माता पिता परेशान होता है, लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, बच्चा ठीक नहीं होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, आए दिन उसे बुखार आता है, जब उसके सिर को देखा जाता है तो सिर काफ़ी गर्म रहता है। तो मेरे दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको दांत निकलने के समय पर फिट्स पड़ जाते हैं, बच्चे को दौड़ा पड़ जाता है, बच्चा दांत निकलने के समय बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बच्चा जब भी दूध पिएगा वोमिट करेगा, बच्चा जैसे ही दूध पिएगा उसे लूज मोशन होगा और बच्चा इस पीरियड में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। पूरा वीडियो आप तसल्ली के साथ देखिए और जब आपको लगेगा कि वीडियो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, तो चलिए मेरे दोस्तों अब हम शुरू करते हैं मेडिसन होम्योपैथिक में। तो पहली जो मेडिसन आती है वो है कैल्केरिया फॉस। मेरे दोस्तों, कैल्केरिया फॉस 6X को आप लें और ये WSI कंपनी की, SBL कंपनी की और दूसरी और भी कंपनियां हैं जो जर्मन की कंपनी है जो इसे बनाती है, रेकवेक कंपनी आती है और वो इसे बनाती है। तो जहां भी आपको उचित लगता है कि आपको जिस कंपनी की भी लेनी हो आप उसे लें। विशेष रूप से यदि आप जर्मन कंपनी की लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो मेरे दोस्तों, हमने अपने यहाँ पर देखा है एक बच्चा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा, बहुत ज़्यादा रो रहा है, सोने नहीं देता है घर में किसी को, लगता है बच्चे को क्या हो गया, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, डॉक्टर की समझ में नहीं आता है, उसे तरह तरह की दवाएं दी जाती हैं। हमने देखा है अपने यहाँ पर, जैसे ही बच्चा आया और बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा लग रहा है, बच्चे को पता किया कि बच्चा 9 महीने करीब का है, बच्चे के दांत निकल रहे हैं, तो हमने अपने यहाँ पर जो दवाएं दी और दवा देने की 2 बूंद दवा देने के बाद में जितने समय में दवा दे करके हमने उस दवा को ला करके अपने चैम्बर के अंदर जैसे ही रखा, देखा बच्चा चुप हो गया है। और उसके घर वालों ने देखा बच्चा इतनी जल्दी कैसे चुप हो गया, और जब देखा तो बच्चा आराम से आँख खोल रहा है, आराम से चारों तरफ देख रहा है, बच्चा बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, बच्चे माँ बच्चे को उठाती है और बच्चा दूध पीने लगता है। लगा आपको ये एक चमत्कार हुआ? चमत्कार नहीं है, होम्योपैथी की दवाएं मेरे दोस्तों इसी तरह का रिजल्ट देती हैं। तो हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो जो पहली दवा है, आपके बच्चे के दांत अभी नहीं निकले, दांत निकलने का समय आने वाला है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा 3 ही महीने का है और बच्चे के दांत निकलने शुरू हो रहे हैं, तो कभी ये बहुत ज़्यादा रेयर केसों में ही होता है कि बच्चा 3 महीने का, बच्चे के दांत निकल रहे हैं, यानी बच्चे को दांत निकलने का जो समय आता है वो 8 महीने 9 महीने के आसपास आता है। और यदि बच्चे को जल्दी आ रहा है तो उससे पहले ही यदि अपने बच्चे को 3 महीने से आप कैल्केरिया फॉस की एक एक गोली पानी में घोल घोल करके सुबह दोपहर शाम एक एक गोली को दो 3X में, तो बच्चे के जो दांत निकल लेंगे बहुत आसानी से निकलेंगे, बच्चे को होने वाली या वोमिटिंग हो, लूज मोशन हो, फिट्स हो, फीवर हो, इस तरह की जो शिकायतें हैं उनसे बच्चा बचा हुआ रहता है। और जब बच्चे के दांत निकलते हैं, जिस बच्चे ने कैल्केरिया फॉस को लिया है, तो बच्चे के जो दांत आपने देखा वो कभी कभी बच्चों के दांत हैं निकलने के बाद ही खराब होना शुरू हो जाते हैं। और जिस बच्चे ने कैल्केरिया फॉस को लिया है
तो वो जो पेरेंट्स होते हैं निश्चिंत रहते हैं बच्चे के दांत खराब नहीं हो सकते, क्योंकि हमने बच्चे को कैल्केरिया फर्स्ट दवा दी है। तो इसलिए कैल्केरिया फर्स्ट दवा बच्चे के लिए बहुत ही गजब की दवा है। बच्चे को बिल्कुल उसके उस समय को जो टीथिंग ट्रबल होता है, जो दांत निकलने का समय होता है, वो उसे बहुत अच्छी तरह से उस समय को बच्चे के को बिताती है और बच्चों किसी तरह की परेशानी नहीं होने देती है। यदि बच्चे को परेशानी हो गई और आपने इस तरह से कोई मेडिसिन पहले से कैल्केरिया फर्स्ट नहीं दी है और बच्चे को टीथिंग ट्रबल हो गई है, बच्चे को मान लीजिए आपको दस्त ही हो गए, बच्चे लूज मोशन शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मेरे दोस्तों तीन दवाएं आती हैं। पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम 30, उस दवा को सुबह शाम देंगे और 2 दिन देंगे। ज़्यादातर केस आर्सेनिक एल्बम देने के बाद में ठीक हो जाते हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है, आर्सेनिक दवा देने के बाद में बच्चा ठीक नहीं हुआ है तो दूसरी मेडिसिन आती है पल्सिटिला। पल्सिटिला 30 को सुबह दोपहर शाम दें, 3 दिन दें, 3 दिन के अंदर बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आर्सेनिक हमने दे दी, उसके बाद हमने पल्सिटिला को भी दिया, अभी बच्चा पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है और बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्लेचुलेंसी है, बहुत ज़्यादा पेट में हवा रहती है, जब भी बच्चा लेट जाता है और बच्चे को जैसे ही लूज मोशन होता है बहुत ज़्यादा हवा निकलती है, बहुत ज़्यादा फ्लेटस होती है और फ्लेटस भी बहुत ही ऑफेंसिव होती है, तो उस समय हमारे यहाँ पर बहुत ही एक रामबाण दवा आती है, उसका नाम है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम दवा को 200 को सुबह दोपहर शाम आप दें, सुबह आप देंगे और शाम को बच्चा आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपके लिए जो हमने दवाएं बताई, ये तीन दवाएं आपके पास में हैं और बच्चे को टीथिंग ट्रबल हो रही है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कभी कभी रेयर केसों में आपने देखा होगा कि बच्चों को जैसे ही टीथिंग पीरियड चलता है बच्चे को फिट्स पड़ जाते हैं, घर के सारे सदस्य बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेके उसे भगते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो मेरे दोस्तों परेशान मत हुई, होम्योपैथी के अंदर इसकी बहुत ही गजब की दवा है और उसका नाम है कैमोमिला। कैमोमिला 200 दवा, और ये कैमोमिला दवा फिट्स के साथ साथ यदि बच्चे के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा बेचैन है, उसमें भी काम करती है, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि कैमोमिला दवा कैसा काम करती है। दूसरा क्यूपरमेटालगम 200 की दवा, यदि आप बच्चे को देते हैं 15-20 मिनट बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बच्चे को ये शिकायत भविष्य में बार बार नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों यदि टीथिंग ट्रबल है और बच्चे को इस तरह की शिकायतें हो गई हैं तो आप होम्योपैथी से बढ़िया दूसरी पैथी में इलाज नहीं आता है। आप इन दवाओं को अपने पास रखिए और पूर्ण रूप से मुक्त रहिए परेशानियों से, आपका बच्चा बिल्कुल ही ठीक रहेगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे का सिर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, टीथिंग का टाइम चला हुआ है और सिर बहुत ज़्यादा बच्चे का गर्म रहता है, तो ऐसे पीरियड में हम बच्चों के लिए जो दवा देते हैं वो दवा है बेलाडोना। और बेलाडोना 30 को बच्चे को सुबह दोपहर शाम आप 2 दिन दें और उसके बाद में बच्चे का जो सिर है आप देखेंगे कि बच्चे का सिर जो एबनॉर्मल जो गर्म रहता था वो फिर गर्म नहीं रहेगा और बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मेरे दोस्तों ये जो हमने आपके सामने जो वीडियो रखा है वो इसलिए रखा है कि हर घर में बच्चे होते हैं और हर घर में इस तरह की शिकायतें होती हैं। बच्चे को कितने ही प्रिकॉशन के साथ आप रखें, ये एक नेचर है, जिस समय बच्चे के दांत निकलते हैं बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, दर्द भी होगा, फीवर भी आएगा, लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो ये जो जितनी भी शिकायत होती हैं इन शिकायतों का होम्योपैथी में बहुत गजब का इलाज होता है। मेरे दोस्तों इन दवाओं को यदि आपके पास हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, पर तो मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि जब भी आप इन दवाओं को दें उस समय जिस भी डॉक्टर पर आप फेथ करते हो, नज़दीक जो भी डॉक्टर आपके पड़ता हो और होम्योपैथिक का डॉक्टर है उसके पास जाएं और एक बार सजेशन जरूर लें